Love Story was different back then in 2001 when the Gadar film was released, but today we have different ideology about love. People love to see reality in a romantic movie, no melodrama and no fake Disneyland story. Gadar film got blockbuster and now its sequel is going to take the story to be continued again. So what will be the story this time? How the story will be continued? Will it show the Indian-Pakistan barrier relatable to the current situation or there will be changes in the story? Well, hello everyone, my name is Devansha and welcome to Bollygrad Studios. When Gadar film was released, the story based on love came with a completely different idea and concept. It was not completely a different love story, but it also showcased the pain and the struggle of India and Pakistan division. Pain, suffering, bloodshed, loss, everything was common. Whether you are Muslim or Hindu, love binds two hearts. This movie binded two religions and two countries together. You don't need to change yourself to be with someone, and if love is mutual, then you won't be demanded by this criteria. Now let's talk about the sequel of Gadar. The film directed by Anil Sharma ranks among the top three Indian films in all-time highest footfalls. According to sources, it had 17 crore footfalls and earned Rs. 256 crore upon its release in 2001. We have been working on Gadar sequel since 15 years. Gadar will be the story of Tara, Sakina and Jeet. The story will move ahead with India-Pakistan angle. Gadar is incomplete without it. How we got crazy to watch India-Pakistan cricket match, it's the same excitement. Fight for love, spread love, there is no foundation of any religion, caste or social status when the story is about you and your love. That's all for today. Thank you for... सनी देओल के बेटे करण देओल की जिंदगी में किस बात की कमी? इलेक्शन में किस तरह लोगों ने किया सनी देओल का विरोध? लोगों की नाराजगी का क्या हुआ सिर्फ सनी देओल की राजनीति में? सनी देओल एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ 1983 में की थी। आगे चलकर अभिनेता ने साल 1990 में घायल जैसी कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म दामिनी में सपोर्टिंग अभिनेता के रूप में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। 2003 में उनकी फिल्म द हीरो सुपरहिट रही, ये साल में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सनी ने अपने करियर में विभिन्न भूमिकाओं पर काम किया और अपने वर्सटाइल प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। सनी ने 2019 में पल 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 दिल के पास सहित कुछ फिल्मों का निर्देशन किया जिसमें उनके बेटे करण देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। अभी तो वो अपनी राजनीति करियर में व्यस्त हैं, लेकिन वो जल्द ही फिर से बॉलीवुड में अपना जलवा दिखाने को तैयार है। साथ ही अपने बेटे के करियर पर भी काम कर रही। आइए आपको बताते हैं इस बारे में। करण देओल ने फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में शुरुआत की और अपने पिता सनी देओल द्वारा लॉन्च किए गए थे। हालांकि फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, करण को दर्शकों और समीक्षकों द्वारा काफी सराहाया गया। लोगों ने कहा कि उन्होंने साबित किया कि वह सनी देओल के बेटे हैं और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही 2.5 किलो का हाथ दिखाया। अभिनेता को उसकी मासूमियत, क्यूटनेस और यहाँ तक कि उसकी लड़ाई के दृश्यों के लिए भी सराहाया गया। अपनी पहली फिल्म के बाद से अभिनेता किसी अन्य फिल्म में नहीं देखे गए, लेकिन ऐसे रिपोर्ट है वो सफल फिल्म दामिनी की रीमेक में दिखाई देने वाली है। यंग अभिनेता छुट्टियों पर जाना पसंद करते हैं और वो बहुत ही ब्रेव है। वो सोशल मीडिया पर अपने लोकेशन के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। करण बताते हैं अपने जीवन में कुछ मिस कर रहे हैं। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर इसका खुलासा किया। पहाड़ों के बीच उन्होंने खुद ही एक तस्वीर साझा की और यह कहते हुए कैप्शन दिया कि इस जगह को याद कर रहे हैं। पल पल दिल के पास के अभिनेता ने खुलासा किया कि वे पहाड़ों से प्यार करते हैं और जब तक इस तरह इस जगहों पर जाते रहेंगे उसे खुशी महसूस होती रहेगी। ऐसी जगह शांतिपूर्ण और सुंदरता होती है और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि करण को वह स्थान पसंद है। दिल्ली के विभिन्न सीमाओं के पास चल रहे किसान आंदोलन के बाद हुए पंजाब म्युनिसिपल चुनाव में बीजेपी का करारा झटका लगा। वहीं कृषि कानूनों की वजह से एनडीए से बाहर होकर अकेले लड़ रही अकाली दल भी कांग्रेस से काफी पिछड़ गई। आम आदमी पार्टी का भी इस चुनाव के नतीजों से बुरा हाल हुआ। एक्टर से नेता बने बीजेपी के सांसद सनी देओल ने संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का मायूसी हाथ लगा था। यहां तक एक तरफा कांग्रेस को जीत मिली। देओल पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट के ही सांसद हैं। पंजाब के 7 नगर निगमों में व 6 में प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं 7वें नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पार्टी ने शहरी म्युनिसिपल के चुनाव में बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से पराजित किया।
कांग्रेस ने भटिंडा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, बटाला या पठानकोट में जबरदस्त जीत दर्ज की है। ऐसे में इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस की नजर विधानसभा चुनाव पर लगी हुई है। नतीजों से गदगद कांग्रेस के कई नेताओं ने खुशी जताई। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने भाजपा सहित आप ही नकारात्मक राजनीति को खारिज कर दिया है। इस जीत में उनके कार्यकर्ताओं को और अधिक कठिन मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। आपको बता दें कि पंजाब में 14 फरवरी को 117 स्थानीय जगह पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 109 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत है। वहीं 8 नगर निगम शामिल है। 8 नगर निगम अबोहर, भटिंडा, बाटला, कपूरथला, मोहाली, होशियारपुर, पठानकोट और मोगा और 109 नगर पालिका परिषदों के 22,052 वार्ड पर रिलेटेड घोषणा की गई। इन चुनावों के लिए 2,832 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। रिजल्ट से ये बात जाहिर है कि सनी देओल को अब वहाँ के लोग नहीं पसंद करे। अब देखते हैं उनकी फिल्मों पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीग्राज स्टूडियोज पर। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने। किस जॉनर के तले बनने जा रही है गद्दार 2? कौन से यादगार डायलॉग्स करेंगे आपको रिफ्रेश? कौन कौन ले सकता है गद्दार 2 में एंट्री? क्या सनी देओल के बेटे आएंगे नजर? क्या सारा अली खान निभाएंगी सनी देओल की बेटी का किरदार? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। बॉलीवुड में एक्शन जॉनर के प्रिय अभिनेता सनी देओल का कहना है कि फाइट सीक्वेंस करना उनके लिए हमेशा आसान रहा है। 62 ईयर्स के अभिनेता ने घायल, हिम्मत, घटक और बॉर्डर जैसी फिल्मों में एक्शन हीरो की भूमिका निभाकर खुद के लिए नाम कमाया है। सनी ने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी निर्देशक बेहजाद कंबाटा की ब्लैक में, एक आतंकवादी हमले को रोकने की कोशिश की थी। मैं एक खेल आदमी हूँ और अपनी कार्रवाई से आसान रहा हूँ। एक्शन ने मुझे कभी परेशान नहीं किया है। मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है और साथ ही दर्शक भी मुझे इस तरह से पसंद करते हैं। एक्शन में मामले में आज चीज़ें बदल गई है आपकी मदद करने के लिए, सनी ने पीटीआई को बताया। विडंबना यह है कि राजकुमार संतोषी के साथ उनकी अगली फिल्म में उनके एक्शन हीरो अवतार को दिखाया जाएगा, क्योंकि वह सिख योद्धा फतेह सिंह के चित्रित करने के लिए तैयार है। दोनों ने पहले 3 फिल्मों में सहयोग किया है। राज रख दी, उन्होंने कहा कि अगर ईशा की अगली फिल्म हिट नहीं हुई तो वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर शादी कर लेंगी। साल 2011 में हेमा मालिनी ने खुद ही अपनी बेटी के लिए एक फिल्म टेल मी ओ खुदा बनाई, जिसमें धर्मेंद्र के अलावा कई बड़े स्टार्स जैसे सलमान खान, ऋषि कपूर भी दिखे। बावजूद इसके फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद ईशा देओल का फिल्मी करियर खत्म हो गया और उन्होंने 2012 में शादी कर ली। ईशा देओल की शादी उनके बचपन के दोस्त भरत से हुई। उनकी शादी में बॉलीवुड के सभी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन उनके सौतेले भाई, क्योंकि उनकी माँ प्रकाश कौर ऐसा नहीं चाहती थी, दोनों ने अपनी माँ का मन रखने के लिए खुद की शादी से भी उन्हें दूर रखा। सनी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे एक बार उनके कारण धर्मेंद्र को करोड़ों का नुकसान हो गया था। धर्मेंद्र विजेता फिल्म के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था। धर्मेंद्र ने तब तय किया कि वह लंदन नाम से एक फिल्म बनाएंगे जिसको डायरेक्ट करेंगी गुरविंदर चड्ढा। फिल्म की स्टार कास्ट सनी देओल, बॉबी देओल और करिश्मा कपूर के तौर पर तय हुई। फिल्म की शूटिंग तो शुरू हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही सनी देओल और गुरविंदर चड्ढा के बीच किसी बात को लेकर तू-तू मैं-मैं हुई और फिल्म की शूटिंग बंद हो गई। पिता के लाख मनाने के बाद भी सनी गुरविंदर के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। सनी ने फैसला किया कि फिल्म को वे खुद डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने करिश्मा कपूर को हटाकर फिल्म में उर्मिला मातोंडकर को लिया। फिल्म का नाम लंदन से बदलकर दिल लगी रख दिया। फिल्म 60 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई। रिलीज होने के बाद फिल्म फ्लॉप साबित हुई और महज 21 करोड़ का ही कारोबार कर पाई। फिल्म फ्लॉप होने से धर्मेंद्र को करोड़ों का नुकसान हुआ। सनी देओल ने बताया कि उनके फैसले से जब पिता को इतना बड़ा नुकसान हुआ तो उन्हें खूब पछतावा हुआ।
उस दिन से सनी देओल ने तय किया कि अब से पिता के फैसले के विपरीत जाकर वह कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है आद्या ठाकुर ने। धन्यवाद। डायलॉग बोलने में हिचकिचाते थे, जिस डायलॉग में मिली उनको पहचान, क्या वो नहीं था उनको पसंद? क्या राजेश खन्ना की दोनों बेटियां बुलाने लगी हैं सनी देओल को छोटे पापा? बिना तलाक लिए डिंपल ने छोड़ दिया था राजेश खन्ना को? अभी फिलहाल खबरें हैं कि सनी देओल गदर 2 पर काम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फिल्म अपने 2 के लिए सब तैयार कर रहे हैं, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल नजर आने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं सनी देओल के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में, जो उनके करियर से जुड़ी है। सनी देओल 80 से 90 के दशक में टॉप के हीरो थे। प्रेस से दूर भागने वाले और कैमरा से शर्माने वाले सनी का मानना है कि वो आजकल की हीरो की तरह हमेशा अपडेट नहीं रह सकते। दामिनी फिल्म में उनका बोला गया डायलॉग 2.5 किलो का हाथ बेहद लोकप्रिय रहा था, पर जब फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने उनके सामने स्क्रिप्ट रखी तो डायलॉग देखकर सनी अचकचा गए। फिल्म मैगजीन फिल्मफेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में सनी ने कहा कि उन्हें ऐसे डायलॉग बोलने में हिचकिचाहट होती है, जिसे पढ़ने के बाद सब कहने लगते हैं वाह वाह, ये डायलॉग तो बहुत हिट होगा। यह एक कहे कि पब्लिक को यह डायलॉग बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। उन्हें ये सब अजीब लगती थी जो वो हमेशा ऐसे डायलॉग बोलना चाहते थे, लेकिन बातचीत का हिस्सा ही रहे। उन्हें बस बनावटी डायलॉग बोलने में परेशानी होती। 2.5 किलो का हाथ ऐसा डायलॉग था जिसे पढ़ने के बाद सनी असहज हो गए। संतोषी ने कहा कि वो इसे अपनी तरह से बोले, ज्यादा ड्रामा करने में दिक्कत है तो ना करें। सनी देओल को नहीं लगा कि उनकी फिल्म घायल इतनी बड़ी हिट होगी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। राजकुमार संतोषी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में वो फिल्म के लिए डायलॉग बोल दे। इस बात से सनी गुस्सा हो गए और उन दोनों के बीच झड़प भी हो गई थी। अब हमेशा दिक्कत होती रही थी। संतोषी का कहना था कि वो फिल्म के हीरो हैं, तो बात तो उन्हें ही करनी होगी। सनी ने मना कर दिया, पर जब दोनों कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो ये देखकर चौंक गए कि उनके देखते ही सब उठकर तालियां बजाने लगे। ये फिल्म की सफलता का सबूत था। सनी को कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। आज भी सनी भारी भरकम नाटकीयता से भरे डायलॉग बोलने में घबराते हैं। सनी देओल शादीशुदा होने के बाद भी डिंपल कपाड़िया के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे। यहाँ तक कहा गया कि अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया की बेटियां सनी देओल को छोटे पापा कहती हैं। डिंपल कपाड़िया जब 16 साल की थी तब उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी रच ली थी। राजेश खन्ना से डिंपल की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। बेटियों के जन्म से कुछ साल बाद डिंपल राजेश खन्ना से अलग हो गई। उन दोनों डिंपल कपाड़िया सनी देओल के अफेयर की बात खूब चर्चाओं में थी। तब के मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो सनी देओल अपना काफी वक्त डिंपल और उनकी बेटियों के साथ उनके घर पर ही बिताते थे। साल 2017 में पिंक विला में छपे आर्टिकल फ्राइडे फ्लैशबैक के मुताबिक जब सनी और डिंपल एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो डिंपल की दोनों बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना दोनों छोटे पापा कहकर उन्हें बुलाती थी। कहा जाता है कि सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते में कड़वाहट तब आई जब सनी का नाम रवीना टंडन के साथ जुड़ने लगा। कहा यह भी जाता है कि सनी देओल की पत्नी पूजा देओल ने भी उनको धमकी दे डाली थी, अगर ये डिंपल से अपना रिश्ता खत्म नहीं करते तो वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या।
कर्ज में डूबे हुए हैं सनी देओल। आखिर उनका पूरा परिवार सिर्फ 2.5 करोड़ के घर में क्यों रह रहा है? पूजा और तान्या नहीं, बॉलीवुड की ये दो अभिनेत्रियां होती हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बहुएं। हाल ही में एक खबर आई थी कि अनिल शर्मा और सनी देओल साथ में दोबारा गदर 2 में आने वाले हैं, लेकिन इस बात पर दोनों ने ही कोई मोहर नहीं लगाई है। और इतना ही नहीं, दोनों ने तो इस फिल्म के लिए इनकार ही कर दिया। इसके अलावा धर्मेंद्र ने नवंबर 2020 में ये घोषणा भी की कि उनकी फिल्म अपने का दूसरा भाग वो जल्द ही ले आएंगे। जिस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अपने में धर्मेंद्र के साथ उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल दिखाई दिए थे, वो ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस फिल्म बन गई। अब इसके अलावा एक बड़ी खबर और है कि इस फिल्म में तीनों देओल तो होंगे ही, लेकिन सनी देओल के बेटे करण देओल भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। इसके अलावा हमें सनी देओल के बेटे करण देओल उन्हीं की निर्देशन की गई फिल्म पल पल दिल के पास में पहली बार दिखाई दिए थे। जी हाँ, करण देओल का उस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था। इस फिल्म में करण देओल यानी कि सनी देओल के बेटे एक बॉक्सर का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में काम करने के लिए करण देओल अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरू करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, करण देओल की मदद करने के लिए प्रोफेशनल बॉक्सर को बुलवाया गया है ताकि उनकी ट्रेनिंग एकदम प्रोफेशनल लेवल पर हो सके। बॉलीवुड में एक्शन से लेकर रोमांटिक फिल्मों में काम करने वाले सनी देओल अब पॉलिटिक्स में अपना हाथ जमा रहे हैं। वो पंजाब के गुरदासपुर के सांसद भी हैं। सिर्फ सनी देओल ही नहीं, उनकी फैमिली में भी बहुत से लोग राजनीति का हिस्सा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी वजह है कि उनकी प्रॉपर्टी का जिक्र हमेशा चलता रहता है। अब आपको एक हैरान करने वाली बात बता दें, शायद आप इस बात को पहली बार में यकीन ना करें, लेकिन सनी देओल एक बहुत भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। उनका परिवार अभी सिर्फ 2.5 करोड़ के कीमत के मकान में रह रहा है। लेकिन आइए आप सभी को बता देते हैं कि सनी देओल के पास कितनी संपत्ति है। सनी देओल ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। उनके अकॉर्डिंग उनके और उनकी वाइफ के पास 53 करोड़ का कर्जा है। कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे सनी देओल अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी और अपने पिता धर्मेंद्र के पीछे कई सालों से संपत्ति के लिए पीछे पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक सनी देओल के पास कुल 83 करोड़ की संपत्ति है। और इसके अलावा सनी देओल और उनकी बीवी ने बैंक से पूरे 51 करोड़ का लोन भी लिया हुआ है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा सनी देओल पर 1.7 करोड़ का GST भी बकाया है। अभिनेता धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं। सनी देओल और बॉबी देओल उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बेटे हैं और दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी है। जहां सनी देओल की शादी हुई पूजा देओल से, वहीं बॉबी देओल की शादी हुई तान्या देओल से। अब ये दोनों उनकी घर की बहुएं लाइमलाइट से काफ़ी दूर रहना पसंद करती हैं। लेकिन इसके अलावा एक खबर दोस्तों ये भी थी कि अगर धर्मेंद्र को आपत्ति ना होती तो बॉलीवुड की ये दो अभिनेत्रियाँ आज उनके घर की बहुएं होती। जहां सनी देओल की शादी पूजा देओल से हुई, लेकिन उनसे पहले सनी देओल का नाम काफी बार फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इन दोनों का रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने सनी देओल के लिए पहले से ही एक लड़की पसंद करके रखी थी। इसके अलावा धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री की किसी अभिनेत्री को अपने घर की बहू बनाए। और इसके अलावा अगर बात करें उनके बेटे बॉबी देओल की, तो बॉबी देओल चक्कर हम सब जानते हैं किसके साथ था। बॉबी देओल नीलम से शादी करना चाहते थे। जी हाँ, नीलम और बॉबी देओल दोनों इस रिलेशनशिप में बहुत खुश थे। इतना ही नहीं, नीलम ने तो अपने घर पर अपने घर वालों से बॉबी देओल से शादी करने की बात भी कर ली थी, लेकिन धर्मेंद्र ने यहाँ भी बॉबी देओल को कहा कि वो नहीं चाहते कि बॉलीवुड की कोई भी अभिनेत्री उनके घर की बहू बने, तो इसलिए इनका रिश्ता भी खत्म हो गया। अगर धर्मेंद्र मान जाते तो शायद ये दोनों हीरोइन यानी कि अमृता सिंह और नीलम आज उनके घर की बहुएं। Thank you.
सनी देओल के बेटे करण देओल की जिंदगी में है आखिर किस बात की कमी? इलेक्शन में किस तरह लोगों ने किया सनी देओल का विरोध? लोगों की नाराजगी का क्या हुआ असर सनी देओल की राजनीति में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीक्रास्ट स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सनी देओल एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ साल 1983 में बेताब के साथ की थी। आगे चलकर अभिनेता ने साल 1990 में घायल जैसी कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया, जिससे उन्हें अच्छी सराहना भी मिली। फिल्म दामिनी में सपोर्टिंग अभिनेता के रूप में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। 2003 में उनकी फिल्म द हीरो सुपर हिट रही और ये उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सनी ने अपने करियर में विभिन्न भूमिकाओं पर काम किया है और अपने वर्सटाइल प्रदर्शन से सभी का दिल भी जीता है। सनी ने 2019 में पल पल दिल के पास सहित कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिसमें उनके बेटे करण देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अभी वो अपने राजनीति करियर में काफी व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही फिर से बॉलीवुड में अपना जलवा दिखाने को तैयार है और साथ ही अपने बेटे की करियर पर भी काम कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस बारे में। करण देओल ने फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में शुरुआत की और अपने पिता सनी देओल द्वारा लॉन्च किए गए थे। हालांकि फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन करण को दर्शकों और समीक्षकों द्वारा काफी सहारा गया था। दर्शक विशेष रूप से उनके सभी एक्शन दृश्यों को पसंद करते थे। लोगों ने कहा कि वो साबित कर रहे हैं कि वे सनी देओल के ही बेटे हैं और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही 2.5 किलो का हाथ दिखा दिया था। अभिनेता को उसकी मासूमियत, क्यूटनेस और यहाँ तक कि उसकी लड़ाई के दृश्यों के लिए काफी सराहना मिली थी। अपनी पहली फिल्म के बाद से अभिनेता किसी अन्य फिल्म में नहीं देखे गए हैं, लेकिन ऐसा रिपोर्ट में आ रहा है कि वह सफल फिल्म दामिनी के रीमेक में दिखाई दे सकते हैं। यंग अभिनेता छुट्टियों पर जाना बेहद पसंद करते हैं और वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव भी हैं। वे सोशल मीडिया पर अपने लोकेशन के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। करण बताते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ मिस कर रहे हैं और अभिनेता ने सोशल मीडिया पर इसका खुलासा भी किया है। पहाड़ों के बीच उन्होंने खुद की एक तस्वीर साझा की और ये कहते हुए कैप्शन दिया कि वह इस जगह को याद कर रहे हैं। पल पल दिल के पास के अभिनेता ने खुलासा किया कि वह पहाड़ों से बहुत प्यार करते हैं और जब वह इस तरह की जगह पर जाते हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी महसूस होती है। खैर, पहाड़ों पर जाना कौन नहीं चाहता, ऐसी जगह शांतिपूर्ण और सुंदर भी होती है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह करण की भी पसंदीदा स्थान है। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं के पास चल रहे किसान आंदोलन के बीच हुए पंजाब म्युनिसिपल चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है। कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है, वहीं कृषि कानूनों की वजह से एनडीए से बाहर होकर अकेले लड़ रही अकाली दल भी कांग्रेस से काफी पिछड़ गई। आम आदमी पार्टी का भी इस चुनाव के नतीजे में बुरा हाल ही रहा। एक्टर से नेता बने बीजेपी के सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को मायूसी हाथ लगी है। पार्टी गुरदासपुर क्षेत्र में खाता नहीं खोल सकी। आपको बता दें कि पार्टी सभी 29 सीटों पर हार गई है। यहाँ एक तरफा कांग्रेस को ही जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि देओल पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से ही सांसद हैं। पंजाब के 7 नगर निगमों में से 6 में प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं 7वें नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पार्टी ने शहरी म्युनिसिपल के चुनाव में बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से पराजित किया है। कांग्रेस ने भटिंडा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, बटाला एवं पठानकोट में जबरदस्त जीत दर्ज की है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस की नजर विधानसभा चुनाव पर लगी हुई है। रिजल्ट से ये बात तो साफ है कि पंजाब के लोग अब सनी देओल को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बात का उनकी फिल्मों पर क्या असर पड़ता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है आद्या ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सन 1947
बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। गदर 2 सनी देओल और डिंपल कपाडिया के रिश्ते के बारे में क्या कहा अमृता सिंह ने? क्या 30 साल बाद भी नहीं खत्म हुआ है सनी देओल और डिंपल कपाडिया का प्यार? सनी देओल ने काफी समय से फिल्मों से दूरी बना रखी है, लेकिन वो वापस से अपने इस ब्रेक से वापस आने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्मों से जुड़ी कुछ खबरें भी आ रही हैं, लेकिन अब तक कुछ भी पक्का नहीं बताया जा रहा कि वो किस फिल्म या वेब सीरीज से स्क्रीन पर वापसी करेंगे। ऐसा बताया जा रहा था कि वो फिल्म गदर 2 से वापस आएंगी, लेकिन उन्होंने इसके साथ कोई भी हामी नहीं भरी है। उनका कहना है कि उस फिल्म के सीक्वल के लिए एक मजबूत और बेहतरीन कहानी की जरूरत होगी, और जब तक वैसी कोई कहानी नहीं मिल जाती इस पर काम नहीं होगा, क्योंकि वह पहली फिल्म से भी ज्यादा बड़ी इस फिल्म का सीक्वल सोच रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अनिल शर्मा इसके लिए कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी फिलहाल इसके लिए मना कर दिया है। सनी के फैंस चाहते हैं वो जल्द से जल्द स्क्रीन पर वापस आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी सनी देओल अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। ऐसा हो सकता है कि वे चुनाव के बाद फिल्मों में काम करना शुरू करें, लेकिन अभी उनका कोई प्रोजेक्ट पक्का नहीं है। और वह अपने 2 जिसमें वह अपने पिता धर्मेंद्र, भाई बॉबी देओल और बेटे करण देओल के साथ स्क्रीन पर दिखने वाले हैं। तब तक आइए बात करते हैं उनकी पुरानी फिल्मों और पर्सनल लाइफ के बारे में। एक बार बॉक्स ऑफिस के सुपरस्टार अब स्लेवर स्क्रीन के खोए हुए स्टारडम को जीतने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं सनी देओल। हम बात कर रहे हैं गदर अभिनेता सनी देओल, जिनकी फिल्मोग्राफीज ने सुपरहिट फिल्मों की एक लंबी सूची बना रखी है। 1983 में फिल्म बेताब के साथ जिस दिन उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की, उस दिन से उन्होंने केवल अपने अच्छे लुक्स और अभिनय की वजह से बल्कि अपने कॉन्ट्रोवर्शियल लव लाइफ के कारण भी सुर्खियां बटोरी। जितना लोगों ने उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को पसंद किया, सनी और अमृता की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ने भी खूब चर्चा बटोरी। फिर उसके बाद ही सनी की पूजा नाम की एक लंदन की लड़की से शादी की खबर सामने आने लगी। बॉलीवुड के नए हॉट थ्रॉब ने सनी पहले से ही एक शादीशुदा आदमी थे। ग्लैमर की दुनिया में प्रवेश करने से पहले लोग जानते हुए भी बोर हो गए थे। इससे न केवल कई दिल टूटे, बल्कि अमृता के साथ उनके रिश्ता भी खत्म हो गया। वह जल्द से चली गई और जल्द ही सनी को भी एक नई लड़की मिल गई। सनी देओल के जीवन की नई शादी थी डिंपल कपाडिया, जो राजेश खन्ना के साथ कानूनी रूप से विवाहित थी। डिंपल कपाडिया और सनी की सिजलिंग जोड़ी ने हमें कई हिट फिल्में दी, जैसे अर्जुन, मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुन्हा, नरसिम्हा। इसके साथ और भी कई फिल्में हैं। उन दिनों ये हर अखबार और पत्रिका में था कि दोनों कलाकार एक दूसरे के साथ प्यार में ऊंची उड़ाने भर रहे हैं। अपनी वैवाहिक स्थिति के बावजूद, हालांकि कथित तौर पर पति पत्नी ने इसे हमेशा छुपाए रखा, यह सनी की प्रूफ प्रेमिका अमृता थी, जिसने पुष्टि की कि वह दोनों एक रिश्ते में हैं। अमृता ने एक पुराने इंटरव्यू में डिंपल कपाडिया के बारे में कहा था, उन्हें लगता है कि वह अपनी जिंदगी जी रही हैं और उसे एंजॉय भी कर रही हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपना लड़का मिल गया है जहां वह उसे चाहती है। तो क्या होगा अगर ये कहीं भी कवर में नहीं है? जब आप पहले से ही एक जीवन जी चुके होते हैं, तो आप एक ऐसे रिश्ते से खुश होते हैं जो हर स्थिति में बना होता है। खैर, डिंपल और सनी के इक्वेशन पर उनकी अप्रत्यक्ष टिप्पणी से उनके अफेयर और उनके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ पता चला। जल्द ही ऐसी खबरें आने लगी कि डिंपल, जो अपने पति राजेश खन्ना से अलग थी, अपने कोस्टार और प्रेमी के साथ एक खुशहाल जगह पर हैं। इतना ही नहीं, उनकी बेटियां रिंकल और ट्विंकल ने सनी को छोटे पापा के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया।
इसके अलावा 2009 में जब डिंपल की बहन सिंपल कपाडिया का निधन हो गया तो सनी उनकी तरफ से सांत्वना दे रहे थे। आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा था कि उस समय भी डिंपल और सनी की कथित गुप्त शादी की खबर से अफवाह हर जगह फैलने लगी थी। अगर अफवाहों की माने तो सनी के पास डिंपल को विभिन्न सामाजिक समारोह और फिल्मी पार्टियों में अपनी पत्नी का दर्जा देने की खबरें थी। अपने पिता धर्मेंद्र के विपरीत, जिन्होंने समाज के खिलाफ जाकर और अपनी प्रेमिका हेमा से शादी करने का फैसला किया, सनी ने पूजा के साथ अपनी शादी को खत्म नहीं करने का फैसला किया। पूजा द्वारा सनी को डिंपल को छोड़ने की धमकी देने की खबरें थी, अन्यथा वह अपने दो बेटों के साथ घर छोड़कर चली जाएंगी, ऐसा उन्होंने सनी से कहा। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने का विकल्प चुना, लेकिन इसका मतलब उनके कॉन्ट्रोवर्शियल संबंध का अंत नहीं था। कई प्रेमियों की तरह डिंपल और सनी ने अपने रिश्ते को गुप्त रखने का फैसला लिया। हालांकि उनके कथित संबंध के बारे में अफवाहें बाद में खत्म हो गई, लेकिन इंडस्ट्री में हर समय इस बारे में बात होती थी। उन्होंने 11 साल के लंबे समय के लिए डेट किया और कुछ लोगों का कहना है कि दोनों अभी भी बहुत प्यार करते हैं। इन अफवाहों को सही साबित करने के लिए कुछ महीने पहले डिंपल और सनी की मोनाको में छुट्टियां मनाने और प्रेमियों की तरह हाथ पकड़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था। लीक हुई तस्वीरों और वीडियो में देखा गया कि दोनों कपल एक दूसरे के हाथ पकड़कर बात कर रहे हैं। जाहिर है कि दोनों अपने अपने परिवार और मीडिया की चकाचौंध से दूर छुट्टियां मना रहे थे। न केवल अमृता और डिंपल बल्कि सनी के रवीना टंडन के साथ डेट करने की भी अफवाहें थी। इतने रंगीन प्रेम जीवन के बावजूद पूजा देओल के साथ उनकी शादी अभी भी मजबूत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। और ये कहानी लिखी है आद्या ठाकुर ने और इसे रिसाइट किया है प्रिशा ने। धन्यवाद। कहानी पर आधारित होगी फिल्म गदर 2। क्या सच में ये फिल्म 1000 करोड़ तक का बिजनेस कर पाएगी और कब तक आ रहा है गदर का सीक्वल?
कौन सी अभिनेत्री नजर आने वाली है फिल्म गदर 2 में सनी देओल के अपोजिट? क्या इस फिल्म में भी पहले पार्ट की तरह शानदार गीत सुनने को मिलेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में हम फिल्म गदर 2 से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। ये डायलॉग सुनकर आपको अभिनेता सनी देओल और उसकी गदर एक प्रेम कथा फिल्म की याद तो जरूर ही आ गई होगी। और अगर दोस्तों, सबसे पहले आपको हम एक छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे जो कि ब्रिटिश आर्मी से रिटायर्ड एक सिख सोल्जर बूटा सिंह के बारे में है। दरअसल गदर फिल्म जो कि 15 जून 2001 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, वह फिल्म बूटा सिंह पर ही आधारित थी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म की स्टोरी कुछ कुछ मिलती जुलती है बूटा सिंह की रियल लाइफ से, जिन्होंने बंटवारे के वक्त पर एक मुस्लिम लड़की को बचाया था और इसी दौरान दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने आपस में शादी भी कर ली। लेकिन बाद में लड़की को पाकिस्तान भेज दिया गया था और बाद में अपनी वाइफ को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए बूटा सिंह गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में एंटर हुए। लेकिन लड़की के फैमिली प्रेशर की वजह से लड़की ने हिंदुस्तान जाने से मना कर दिया और बाद में बूटा सिंह ने ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी। इन्हीं बूटा सिंह की प्रेम कहानी से प्रेरणा लेकर सन 2001 में अनिल शर्मा जी द्वारा निर्देशित की गई फिल्म गदर एक प्रेम कथा पर्दे पर आई थी, जिसमें इसकी सनी देओल और अमीषा पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब दर्शकों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि इस मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है और हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि अनिल शर्मा अपनी 2001 की मेगा हिट गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी की योजना बना रहे थे और इस फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने कहा, इस फिल्म के सीक्वल पर 15 साल से काम चल रहा है और गदर तारा सनी देओल, सकीना मीशा पटेल और जीत उनका पुत्र की कहानी होगी। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान की पृष्ठभूमि के साथ आगे बढ़ेगी क्योंकि इसके बिना यह अधूरी होगी। अभी से ही लोगों के अंदर फिल्म को लेकर उत्साह जग गया है और सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि अभी से गदर 2 को 1000 करोड़ फिल्म के रूप में माना जा रहा है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म में भी सनी देओल के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर अमीषा पटेल ही नजर आएंगी, लेकिन अब इस बात पर कुछ कंफर्मेशन नहीं बताया जा रहा और इस फिल्म का ऐलान करके सनी देओल ने अपने फैंस को खुश कर दिया है और वह जल्द ही इस फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर देंगे। और अब मूवी में जब सनी देओल हैं तो एक बात तो तय है, आपको एक्शन का डबल डोज देखने को मिलने वाला है और साथ ही ढेर सारे खतरनाक डायलॉग्स भी आपको इस फिल्म के अंदर सुनने को मिल सकते हैं। मैं निकला गड्डी लेकर और रस्ते पर सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उतने दिल छोड़ आया। दोस्तों ये गाना इस फिल्म के पहले भाग का काफी सुपर डुपर हिट साबित हुआ था और जैसा कि फिल्म की सॉन्ग्स टीम भी पूरी मेहनत में लगी हुई है इस फिल्म के सीक्वल में शानदार गीत जोड़कर फिल्म को और भी शानदार बनाने की, पिछली मूवीज की तरह इस बार भी वह बेहद सुंदर संगीत लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस मूवी से जुड़े आगे के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है प्रशांत कुमार ने। हरियाणा की प्रसिद्ध गायिका हुई सनी देओल की दीवानी, किस तरह उन्होंने अपने नए गाने में किया सनी का जिक्र। क्या देओल ग्रैंडसन करण देओल को है डायरेक्टर अनिल शर्मा के अपने 2 का सहारा?
क्या अपने बेटे के बजाय दे सकते हैं उन्हें गदर 2 में लीड रोल? कभी बिग बॉस में अपनी आंखों के काजल से दर्शकों का दिल लूटा तो कभी ताऊ को भी पीछे हटने को बोल दिया। हरियाणा की इस धाकड़ छोरी ने और कई अड़चनों के बाद फिल्म वीरे की वेडिंग से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी सिंगर सपना चौधरी ने यह साबित कर दिया है कि हरियाणा की छोरियां सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि गायिका में भी सबसे आगे हैं। सपना चौधरी से पहले भी बॉलीवुड में कई हरियाणवी एक्टर्स, सिंगर्स, यहां तक कि रेसलर्स ने अपनी जगह बनाई, जिनमें रणदीप हुड्डा, मानुषी चिल्लर और मलाइका शेरावत का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं फिल्म अग्निपथ का गाना अभी मुझ में कहीं या फिल्म फना का टाइटल मेरे हाथ में तेरा हाथ हो जैसे सुपरहिट गानों के सिंगर सोनू निगम का जन्म भी फरीदाबाद हरियाणा का है। और दंगल गर्ल्स गीता बबीता कौन से स्टेट की रहने वाली हैं किसे नहीं मालूम। लेकिन सपना चौधरी ने कैसे और क्यों किया 2.5 किलो के हाथ के मालिक सनी देओल का जिक्र। सपना चौधरी का हाल ही में एक नया गाना रिलीज हुआ है जिसके बोल हैं नलका। ये नया गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर सपना चौधरी के डांस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। सपना के इस नए गाने में बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का कई बार जिक्र किया गया है जिसे देखो लोग इस गाने को काफी पसंद कर रहे हैं। सपना इस गाने में काफी खूबसूरत भी लग रही हैं। इस गाने में बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और उनकी फिल्म गदर का भी जिक्र है। गाने को अभी तक 46,72,358 से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आपको बता दें गाने में नल के शब्द को सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन से जोड़ा गया है क्योंकि हरियाणा में शायद हैंडपंप को नलका कहते हैं। तो भाई ये तो हो गई कतई गजब बात। क्या होगा पंजाब के गबरू सनी देओल का जवाब हरियाणा की धाकड़ छोरी सपना चौधरी के लिए इस वीडियो के बाद? कहीं इस वीडियो के बाद गदर 2 पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में ना छिड़ जाए। लेकिन क्या डायरेक्टर अनिल शर्मा मानेंगे इस बात के लिए जिनका पूरा फोकस अभी अपने 2 की तरफ है? अनिल शर्मा का देओल खानदान से काफी करीबी रिश्ता है ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन धर्मेंद्र डायरेक्टर के पहले फिल्म स्टार भी रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या जानते हैं? डायरेक्टर अनिल शर्मा मथुरा के छोटे से शहर से नाता रखते हैं जहां उनके बचपन के दिनों में शहर में कई थिएटर नहीं होते थे और जब वो एक शादी अटेंड करने मेरठ पहुंचे तो अपने दादा के लिए उन्होंने पहली बार सिनेमा थिएटर का अनुभव लिया। उन्होंने बड़े पर्दे पर अभिनेताओं को देखा। वह 8 या 9 साल के रहे होंगे। बाद में उन्होंने महसूस किया कि फिल्म का नाम गंगा की लहरें था और पर्दे पर वह खूबसूरत अभिनेता और कोई नहीं बल्कि धर्मेंद्र ही थे। तो इस हिसाब से उनका पहला फिल्म स्टार परिचय धर्म जी से ही हुआ था। अब इस संयोग की बात कहें या फिर किस्मत कि धर्मेंद्र से लेकर उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ निर्माता काम कर चुके हैं और अब धर्मेंद्र के पोते करण देओल के साथ अपने दो से अनिल शर्मा हैट्रिक मारने वाले हैं। खबर यह है कि फिल्म गदर 2 की नई कहानी के लिए अनिल शर्मा का नया चेहरा ढूंढा जा रहा है जिनमें से एक नाम उनके खुद के बेटे उत्कर्ष का सामने आया तो दूसरा नाम है करण देओल का। फिल्म में सनी देओल भी होंगे क्योंकि बिना तारा के सकीना क्या गदर फिल्म में अधूरी है? क्या आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राउंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने। चाहते अपनी हिट फिल्म गदर का सीक्वल? सनी देओल के उस हिट फिल्म के बारे में क्या आप जानते थे ये बातें? पंजाब की रिपोर्ट बताती है कि किसानों का आंदोलन अब बॉलीवुड तक पहुंच गया है। जाहिर है पिछले हफ्ते बॉबी देओल को उनके परिवार की वजह से पटियाला में शूटिंग करने से रोक दिया गया था। खास तौर पर आंदोलनकारी किसान धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल और उनकी पत्नी हेमा मालिनी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिगड़ी बात और चल रहे किसान आंदोलन में इन स्टार्स के सरकार समर्थक रुख से खुश नहीं है। देओल के खिलाफ पंजाबी किसानों के गुस्से ने धर्मेंद्र को गहरी चोट पहुंचाई है।
जिन्होंने हमेशा खुद को इस मिट्टी का एक गर्वित पंजाबी बेटा माना है। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में अभिनेता धर्मेंद्र पंजाब की बात करते हुए भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था, अब भी वो लुधियाना के वे लड़के हैं जिसने मुंबई में अभिनेता बनने के लिए घर छोड़ दिया था। पंजाब मेरा घर है। वर्तमान किसानों के आंदोलन के दौरान धर्मेंद्र ने सत्ताधारी सरकार के साथ अपने परिवार के संबंध के कारण अपनी शांति बनाए रखी। किसी का भी इस बारे में कोई रिएक्शन नहीं आया है सिवाय सनी देओल के, जिन्होंने बताया कि दीप संधु से उनका और उनके परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। इसी वजह से किसान उनसे नाराज है और उन्होंने फैसला किया है कि वो पंजाब और हरियाणा में उनके परिवार के किसी भी सदस्य की शूटिंग नहीं होने देंगे। फिलहाल सनी देओल का फोकस राजनीति पर है, लेकिन वो जल्द ही फिल्मों में वापसी करेंगे। खबर है कि वो जल्द ही एक वेब सीरीज में दिखाई देंगे और इसके बाद फिल्म अपने दो के लिए शूटिंग करेगी और फिल्म गदर दो में भी चर्चा में है, लेकिन अभी सनी उसके विरोध में लग रहे हैं। आइए आपको बताते हैं वो कौन सी बातें हैं फिल्म के करने से हिचकिचा रहे हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि अनिल शर्मा अपनी 2001 की मेगा हिट गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी बनाने की योजना बना रहे, जो भारत के दो हिस्सों में विभाजित होने के बाद भारतीय सिक्के बारे में विभाजन से पहले की प्रेम कहानी पर आधारित है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और सनी देओल के करियर की सबसे सफल फिल्म बन गई। अब 20 साल बाद भारतीय मनोरंजन मीडिया अचानक फिल्म की अगली कड़ी की बात करने लगी। ये बातें अभी भी कुछ पक्की नहीं है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि फिल्म पर कब तक काम शुरू किया जा सकता है। इस फिल्म में भारत पाकिस्तान की एकता के बारे में बात की गई थी, जिसे सिनेमा सहित हर मंच पर प्रोत्साहित किया गया था। वहीं गदर और वीर ज़ारा जैसी सीमा पार प्रेम कहानियां बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। अब इस समय जब इन दोनों देशों के हालात बुरे हैं, तो ऐसे में कौन सीमा पार आतंकवादी के इस समय के दौरान सीमा पर एक प्रेम संबंध का सुझाव देने का प्रयास करेगा? निश्चित रूप से सनी देओल नहीं, क्योंकि वे वर्तमान में भाजपा के सदस्य हैं और ये देश की रूलिंग पार्टी है। जब सनी से गदर दो के बारे में पूछा गया तो हंसते हुए बोले कि उनके पास अभी किसी भी फिल्म के बारे में सोचने का समय नहीं। उन्हें नहीं पता कि यह अफवाह कहां से आई है। निर्देशक अनिल शर्मा ने भी गदर की सीक्वल की किसी भी तत्कालीन योजना से इनकार कर दिया। शर्मा ने कहा, खबरें तो आती रहती हैं, जब कुछ फिक्स होगा तो जरूर बताएंगे। जब गदर दो की बात हो रही थी, तो आइए आपको बताते हैं कि फिल्म गदर के बारे में कुछ रोचक जानकारी के बारे में, जो शायद ही किसी को पता हो। ये कहानी बहुत हद तक बूटा सिंह की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। वे ब्रिटिश सेना के पूर्व सिख सैनिक थे, जो 1947 में भारत में विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान बचाई गई मुस्लिम लड़की जैनब के साथ उनकी दुखद प्रेम कहानी के लिए जाने जाते हैं। ये एक विश्व रिकॉर्ड की इस फिल्म की 10 करोड़ की टिकटें बिकी थी। ये दुनिया की किसी भी अन्य फिल्म की तुलना से सबसे ज्यादा बेचा गया था। इस फिल्म ने अपने शुरुआती थिएट्रिकल रन से 140 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और 2017 की टिकट बिक्री के हिसाब से इसका टोटल कलेक्शन 500 करोड़ रुपए था। फिल्म में जो भूमिका अमीषा पटेल ने निभाई है, उसके लिए काजोल फिल्म मेकर्स की पहली पसंद थी, लेकिन डेट न मिल पाने की वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। दारा सिंह की भूमिका के लिए भी गोविंदा पहले की पसंद थी, लेकिन उनकी फिल्म महाराजा के फ्लॉप होने के बाद निर्देशक अनिल शर्मा ने अपना विचार बदल लिया और फिल्म के लिए अभिनेता भी बदल दिया। अमीषा पटेल को ऑडिशन के लिए आई 500 लड़कियों में से चुना गया था। उनके प्रदर्शन की बहुत प्रशंसा हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की नामांकन के अलावा फिल्म फेयर के विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। शहीद मोहब्बत बूटा सिंह 1999 में रिलीज हुई एक पंजाबी फिल्म है, जो बूटा सिंह और जैनब के वास्तविक जीवन प्रेम कहानी पर आधारित थी, जिसे बच्चे ने सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। वह निर्देशक अनिल शर्मा का रियल लाइफ बेटा है, जिसने अभी लगभग 19 साल बाद फिर से फिल्म जीनियस से बॉलीवुड में वापसी की। अब देखते हैं गदर की सीक्वल में उनका कोई किरदार होता है या नहीं। आप इस फिल्म के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीवुड स्टूडियोज पर। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने।
अपने करियर की सबसे सफल फिल्म गदर का सीक्वल बनाने के लिए क्यों नहीं है अभिनेता सनी देओल के पास समय? सारे थिएटर्स को पूरी तरह से भरने के फैसले में क्या रोल निभाया अभिनेता सनी देओल ने? किसान प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे पंजाबी अभिनेता दीप सिंधु का सनी देओल से क्या है कनेक्शन? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोड़ा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फिल्म गदर ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े और ये सनी देओल के अभी तक के करियर की सबसे सफल फिल्म रही है। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि अनिल शर्मा अपनी 2001 की मोगा हिट गदर एक प्रेम कथा फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बना रहे हैं, जो भारत और पाकिस्तान के अलग होने के समय की प्रेम कहानी होगी, जिसमें एक भारतीय सिख और मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और सनी देओल के करियर की सबसे सुपरहिट फिल्म बन गई थी। अब 17 सालों के बाद भारतीय एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री अचानक से इस फिल्म की अगली कड़ी की बात करने लगी है, लेकिन दुनिया गदर के रिलीज होने के बाद से ही बदल गई थी। इसके बाद सिनेमा साहित्य हर मंच पर भारत पाकिस्तान की एकता के बारे में बातचीत करने लगे। हाँ, गदर और वीर जाना जैसी सीमा पार प्रेम कहानियां बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। आपको बता दें कि गदर 2 के बारे में पूछे जाने पर सनी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास अभी किसी भी फिल्म के बारे में सोचने का समय नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये अफवाह कहाँ से आई। निर्देशक अनिल शर्मा ने गदर के सीक्वल की किसी भी तत्काल योजना से इनकार किया। शर्मा ने कहा, खबर है आती ही रहेगी, पर जब कुछ फिक्स होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जब ऑन स्क्रीन सनी देओल के करेक्टर की बात आती है तो वो सबसे दमदार और दहाड़ने वाले अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत आदमी के जैसे प्रतीत होती है। हालांकि जब उनके वास्तविक जीवन के कामों की बात आती है तो वह ये सुनिश्चित करते हैं कि उनसे ज़्यादा उनका काम सबसे ज़ोर से बोले। वो ऐसे इंसान हैं जो कहने में कम और काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सबको साबित करने के लिए हमारे पास फैक्ट्स भी हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा सिनेमाघरों में 100% ऑक्यूपेंसी वाले नियम की घोषणा किए जाने के 2 दिन बीत जाने के बावजूद उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया और ना ही कहीं उनका नाम भी आया। ये अभिनेता और भारत की रूलिंग पार्टी के सांसद सनी देओल है, जिनकी सरकार मशीनरी के उच्चतम आदेश के पहले पर इन्हें इसे संभव बनाया गया है। ये सनी देओल थे जिन्होंने फिल्म उद्योग से प्रतिनिधि मंडन का नेतृत्व किया और निर्मला सीताराम, भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सूचना और प्रसारण मंत्री अमित खरे, सचिव IMBD मंत्रालय और अनुराग ठाकुर मंत्री से कुछ दिनों पहले मिले और इस बारे में बातचीत करी। फिर वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने उनसे अनुरोध किया कि वो सिनेमाघरों को 50% से अधिक ऑक्यूपेंसी पर काम करने की अनुमति देने की रिक्वेस्ट करें और साथ ही साथ अधिकतर 100% ऑक्यूपेंसी पर भी, ऐसा उनका करीबी सूत्र से पता चला है। उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कमल ज्ञान चांदनी, संजीव बिजली, MD PVR और द प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के CEO नितिन तेज अहूजा ने इस काम में उनका साथ दिया। सबने मिलजुल कर थिएटर को फिर से पहले जैसे चलाने के फैसले पर सरकार को रिक्वेस्ट किया और अब सरकार ने भी इसके लिए हामी भर दी है। पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू द्वारा गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की हिंसा के लिए सुर्खियां बटोरने के कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद सनी देओल के साथ सिद्धू की तस्वीरें की बिछाड़ हो गई। आपको बता दें कि 26 जनवरी मंगलवार को कई किसानों ने लाल किले में प्रवेश किया और साथ ही साथ वहां पे अपना झंडा भी फैला दिया और उस हिंसा में दीप के भी मौजूद होने की बात चल रही है। जैसा कि दीप सिद्धू के साथ सनी देओल की तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी ही होंगी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अभिनेता और गुरदासपुर के लोकप्रिय BJP सांसद ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया और सबको ये बताया कि उनका और उनके परिवार का सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। सनी देओल ने ये भी कहा कि लाल किले की घटना ने उन्हें गहरा दुख
दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी हिंदी में ट्वीट किया और उसमें लिखा था कि आज लाल किले पर जो भी हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से ये साफ कर चुका हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई भी संबंध नहीं है। जय हिंद। बस इतना ही था इसके बारे में। चलिए अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं आद्या ठाकुर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गदर का सीक्वल कब आ रहा है और गदर के दमदार डायलॉग्स जिससे सनी देओल आज तक गदर मचाए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सनी देओल की फिल्म गदर 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। इंडिया पाकिस्तान मारधाड़ लव स्टोरी धांसू डायलॉग जैसे मसालों को मिलाकर बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं थी, लेकिन इसे आज भी जबरदस्त कमाई करने के अलावा सनी देओल की गदर एक्टिंग और धांसू डायलॉग के लिए याद किया जाता है। बताया जाता है कि इस फिल्म को भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा देखा गया। आंकड़ों में समझे तो इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में कोई 5.5 करोड़ फुटफॉल्स हुए थे। उसी फिल्म ने कुछ यादगार और दमदार डायलॉग्स हम आपके लिए लाए हैं। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चों को उसकी मां से मिलने से कोई ताकत कोई सरहद नहीं रोक सकती। अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। ये सारे जो संवाद थे जब सनी देओल ने सिनेमा घर में बोले तो लोगों ने अपने सीटों से उछल कर ऐसे तालियां बजाई कि वो नजारा देखने लायक था। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके छत पर तिरपाल आई थी, बरसात से बचने की हैसियत नहीं, और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। अगर मैं अपनी बीवी बच्चे के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके ओठ और दिलों की धड़कने हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। ये मुल्क है कोई खेत का टुकड़ा नहीं जो यूं ही बंट जाएगा। जिंदगी कितनी ही बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ता है मैडम जी, जीना तो पड़ता। मुझ गरीब पर रहम तूने क्या किया, जो कुछ था मेरे पास सब लूट लिए। ये सारे जो डायलॉग्स थे ना, जब भी लोगों के कानों में पड़े बस उनके शरीर में एक प्रकार से ऐसी एनर्जी उठी कि जो आज भी बरकरार है। ये कह सकते हैं कि आप सनी देओल के और भी फिल्मों को उठा करके देखेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे ही डायलॉग मिलते हैं। चलिए, उनकी एक फिल्म थी घातक, उसका एक संवाद मैं आपको सुनाता हूं। यह मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी अगली वीडियो यानी कि जो घातक का सिक्वल होगा उसमें मैं आपको घातक के दमदार डायलॉग सुनाऊंगा। गदर का सीक्वल कब आ रहा है और गदर के दमदार डायलॉग्स जिससे सनी देओल आज तक गदर मचाए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सनी देओल की फिल्म गदर 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। इंडिया पाकिस्तान मारधाड़ लव स्टोरी
धांसु डायलॉग जैसे मसालों को मिलाकर बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं थी। लेकिन इसे आज भी जबरदस्त कमाई करने के अलावा सनी देओल की गदर एक्टिंग और धांसु डायलॉग के लिए याद किया जाता है। बताया जाता है कि इस फिल्म को भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा देखा गया। आंकड़ों में समझे तो इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में कोई 5.5 करोड़ फुटफॉल्स हुए थे। उसी फिल्म ने कुछ यादगार और दमदार डायलॉग्स हम आपके लिए लाए हैं। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चों को उसकी मां से मिलने से कोई ताकत कोई सरहद नहीं रोक सकती। अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। ये सारे जो संवाद थे, जब सनी देओल ने सिनेमा घर में बोले तो लोगों ने अपने सीटों से उछल कर ऐसे तालियां बजाई कि वो नजारा देखने लायक था। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके छत पर तिरपाल आई थी, बरसात से बचने की हैसियत नहीं, और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। अगर मैं अपनी बीवी बच्चे के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, उनके ओठ और दिलों की धड़कने हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। ये मुल्क है कोई खेत का टुकड़ा नहीं जो यूं ही बंट जाएगा। जिंदगी कितनी ही बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ता है मैडम जी, जीना तो पड़ता है। मुझ गरीब पर रहम तूने क्या किया, जो कुछ था मेरे पास सब लूट लिया। ये सारे जो डायलॉग्स थे ना, जब भी लोगों के कानों में पड़े, बस उनके शरीर में एक प्रकार से ऐसी एनर्जी उठी कि जो आज भी बरकरार है। ये कह सकते हैं कि आप सनी देओल के और भी फिल्मों को उठा करके देखेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे ही डायलॉग मिलते हैं। चलिए, उनकी एक फिल्म थी घातक, उसका एक संवाद मैं आपको सुनाता हूं। ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी अगली वीडियो यानी कि जो घातक का सिक्वल होगा, उसमें मैं आपको घातक के दमदार डायलॉग सुनाऊंगा। तब बनेगा गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल। किस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई बाहुबली 2? बॉलीवुड में कौन सी सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। गदर एक प्रेम कथा बॉलीवुड की उन फिल्मों में है जिसने सफलता के नए मायने लिख डाले। सनी देओल की दमदार एक्टिंग और डायलॉग बाजी की वजह से इस फिल्म को आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म के फैंस के लिए एक खुशखबरी है कि फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा खुद ही इस फिल्म का सीक्वल बनाना चाहते हैं। अपने बेटे के डेब्यू लॉन्च पर अनिल शर्मा ने गदर सीक्वल पर खुलकर बातें की। अनिल शर्मा ने कहा, कई प्रोड्यूसर्स गदर सीक्वल बनाने के इच्छुक हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इसका सीक्वल बने, लेकिन अब इसकी डिमांड देखकर मैंने सोचा है मैं गदर सीक्वल बनाऊंगा, लेकिन अभी उसमें वक्त है, मैं एक समय में एक फिल्म पर ही काम करूंगा। अनिल ने बताया, मेरी फिल्म जीनियस की रिलीज होते ही मैं गदर के सीक्वल पर विस्तार से काम शुरू करूंगा। मेरी कोई भी फिल्म बिना सनी देओल के नहीं बन सकती, लेकिन गदर के सीक्वल में सनी का रोल क्या होगा ये बताना अभी मुश्किल है। वैसे जीनियस में भी सनी एक छोटी सी लेकिन बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। चलिए, अब ये तो फाइनल हो ही चुका है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर का सीक्वल हमें मिलने वाला है और फिल्म में सनी ही होंगे। हाल ही में सनी देओल की फिल्म गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहा था
कि गदर ने अपने जमाने में जितना कमाया था वो इस जमाने का 5,000 करोड़ है और इसलिए बाहुबली 2 ने कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। अब गदर के बॉक्स ऑफिस की जांच पड़ताल की गई है। फिल्म गदर ने उस जमाने में 78 करोड़ की कमाई की थी, उसे अगर आज के जमाने से जोड़ा जाए तो 500 करोड़ होगा। वहीं फिल्म का एवरेज फुटफॉल था 5 करोड़, यानी कि फिल्म 500 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमा ही नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद बाहुबली 2 गदर का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। दरअसल बाहुबली 2 ने 6वें शुक्रवार को 1 करोड़ के लगभग कमाई की थी, जबकि गदर की कमाई 6वें शुक्रवार को भी 1 करोड़ से ज्यादा थी। फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी और सिनेमा घरों में टिकी थी। 17 साल पहले बॉलीवुड में काफी बड़ा घमासान हुआ था। एक तरफ था सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ तो दूसरी तरफ था आमिर खान का 100% परफेक्शन। दरअसल 17 साल पहले 15 जून को एक साथ रिलीज हुई थी लगान और गदर। गदर ने रिलीज होते ही सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए थे। लगान वर्सेस गदर, लगान और गदर दोनों ही फिल्में पीरियड ड्रामा थी और बॉक्स ऑफिस की दोनों फिल्मों ने मिलकर बैंड बजा दी थी। लेकिन गदर ने ऐसा धमाका किया था कि आज तक लोग उसे भूले नहीं। घायल वर्सेस दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित के रोमांस के साथ सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री का एंग्री अवतार। लेकिन लोगों ने दोनों फिल्म देखी और दोनों ही फिल्मों को काफी पसंद किया गया। दोनों ही फिल्में उस साल की टॉप 10 बॉक्स ऑफिस में थी। राजा हिंदुस्तानी वर्सेस घातक, एक बार फिर आमिर खान और सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर भिड़े। राजा हिंदुस्तानी ने तहलका मचाया तो घातक को भी अच्छे खासे दर्शक वर्ग ने पसंद किया था। शोले वर्सेज जय संतोषी माँ, ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा और दिलचस्प क्लैश था। एक तरफ रमेश सिप्पी की शोले और दूसरी तरफ जय संतोषी माँ। दोनों ही फिल्में रिलीज होने के साथ ही लोगों का ध्यान खींचने लगी थी और जय संतोषी माँ आज भी पौराणिक फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर रहती है। सनी देओल के फैन हो या ना हो, लेकिन गदर एक प्रेम कथा का फैन हर कोई जरूर होगा। फिल्म में जब सनी बोलते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, तब हॉल में सीटियां तालियां गूंज गई थी। और जैसे ही सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा तो ओफो, जनता ने जो सनी देओल के लिए नारे लगाए कि पूछिए मत, हर कोई उनका फैन हो गया था। बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ हर साल कई फिल्में बनाई जाती हैं, कई हिट होती हैं तो कई फ्लॉप भी हो जाती हैं। ऐसी फिल्में कम ही होती हैं जो दशकों बाद भी याद रह जाती हैं। ऐसे में 17 साल पहले ऐसी ही एक नहीं बल्कि 2-2 फिल्में आई थी। ये दोनों ही फिल्में बॉलीवुड के इतिहास में वो फिल्में बन गई जो ऑडियंस आज तक नहीं भूल पाई। हम बात कर रहे हैं 2 सुपर डुपर हिट फिल्में गदर और लगान की। बॉलीवुड की दोनों ऐतिहासिक फिल्में 17 साल पहले आज के दिन ही रिलीज हुई थी। इस वाकये के बाद ये साबित हो गया कि जब फिल्म का कंटेंट और सब्जेक्ट बेहतरीन हो तो कोई महाक्लैश उसे हिट होने से रोक नहीं सकता। जहां एक तरफ आमिर और सनी देओल के महाक्लैश में दोनों ही सुपर हिट बनकर निकले, वहीं दूसरी तरफ ऐसी किस्मत हर स्टार की नहीं निकली। बॉक्स ऑफिस पर एक साथ रिलीज होने के बाद 2 फिल्मों में से एक पिट गई तो दूसरी हिट हो गई। सनी देओल की धमाकेदार फिल्म दामिनी को रिलीज हुए आज 25 साल हो गए हैं। ये फिल्म बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक आज भी मानी जाती है। सनी देओल, ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री स्टारर इस फिल्म ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी पर थी जो एक लड़की का रेप होते दिखाती है और रेपिस्ट उसका खुद का देवर होता है। दामिनी सच का साथ देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इसमें उसका खुद का ससुराल उसका साथ नहीं देता, यहाँ तक कि उसका पति भी उसका साथ नहीं दे पाता। इस दौरान दामिनी की लड़ाई में उसके साथ खड़ा होता है उसका वकील, यानी कि सनी देओल। फिल्म अपने जमाने के हिसाब से काफी आगे की थी और दर्शकों ने इसे खुले दिल से स्वीकारा था। इस फिल्म से सनी देओल ने अपना पूरा गुस्सा एक साथ शाहरुख खान पर निकाल दिया था। दरअसल इसी दौरान सनी देओल शाहरुख खान की डर भी शूट कर रहे थे। बस अंतर इतना था कि डर पहले सनी देओल की डर थी, लेकिन धीरे धीरे ये सनी देओल को बिना बताए शाहरुख खान की फिल्म बन गई। हालांकि सनी देओल को समझ आ चुका था कि उनके साथ धोखा हुआ है। खैर, ये सारा गुस्सा उन्होंने दामिनी में अपनी एक्टिंग में निकाल दिया। ऐसा लगता है कि आज भी लोग तारीख पर तारीख बोलते ही दामिनी को याद करते हैं। आगे जाने बॉलीवुड के ऐसे ही महाक्लैश के बारे में और जाने दोनों में किस फिल्म ने बाजी मारी और कौन सी फुस हो गई। काबिल वर्सेस रईस, क्लैश होने के बावजूद दोनों ही फिल्मों ने अच्छी खासी कमाई की और 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनी। शिवाय वर्सेस ए दिल है मुश्किल, शिवाय ने 100 करोड़ की कमाई की, लेकिन फिर भी ये करण जौहर के रोमांस के आगे टिक नहीं पाई और रणबीर कपूर के आगे अजय देवगन नहीं टिक पाए। अंदाज अपना अपना वर्सेस सुहाग, अंदाज अपना अपना जहां दर्शकों को पसंद नहीं आई, वहीं सुहाग को लोगों ने आड़े हाथों लिया था। वजह साफ थी, सुहाग एक माँ बेटे की कहानी पर फोकस करती थी, वहीं अंदाज अपना अपना हल्की फुल्की सी कॉमेडी थी पर रोमांस के तड़के के बिना। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वर्सेस याराना, अब आप ही सोचिए कि DDLJ जिसमें देश था, संस्कार थे, परिवार था, उसके आगे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली फिल्म कौन देखता। भले ही उसमें ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित ही क्यों ना हो। मोहब्बतें वर्सेज मिशन कश्मीर, अब आप ही सोचकर देखिए, मारधाड़, आतंकवाद जैसे भारी भरकम शब्द दिवाली की खुशियों के बीच, जाहिर
सी बात है कि मोहब्बतें को ही जीतना था। ओम शांति ओम वर्सेज सांवरिया, संजय लीला भंसाली ने जो रणबीर और सोनम कपूर के करियर के साथ यहाँ किया था ना, उसकी कोई माफी नहीं है। इतना सुंदर कपल और बेहतरीन बोरिंग फिल्म जो कि लव स्टोरी भी नहीं थी, कौन देखता। ऊपर से शाहरुख की पूरी मसाला फिल्म वीर जारा वर्सेज ऐतराज, हालांकि ऐतराज ने भी अपने लिए काफी माहौल बना लिया था, लेकिन वीर जारा ने ये जंग जीती थी। पर लोगों ने ऐतराज भी देखी क्योंकि दोनों ही फिल्मों का कंटेंट बेहतरीन था। न जाने ऐसे ऐसे कितने क्लैश हुए जिसमें कोई जीता तो कोई हारा। सनी देओल की फिल्म गदर 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। इंडिया पाकिस्तान, मारधाड़, लव स्टोरी, धांसू डायलॉग जैसे मसालों को मिलाकर बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं थी, लेकिन इसे आज भी जबरदस्त कमाई करने के अलावा सनी देओल की गदर एक्टिंग और धांसू डायलॉग के लिए याद किया जाता है। बताया जाता है कि इस फिल्म को भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा देखा गया। आंकड़ों में समझे तो इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में कोई 5.5 करोड़ फुटफॉल्स हुए थे। उसी फिल्म से कुछ यादगार और दमदार डायलॉग्स हम आपके लिए भी लाए हैं। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके छत पर त्रिपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। अगर मैं अपने बीवी बच्चे के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके हॉट और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। ये मुल्क है कोई खेत का टुकड़ा नहीं जो यूं ही बट जाएगा। जिंदगी कितनी ही बेरहम क्यों ना हो, जीना पड़ता है मैडम जी, जीना पड़ता है। मुझ गरीब पर रहम तुमने क्या किया, जो कुछ था मेरे पास सब लूट लिया। और अब सनी देओल के कुछ सदाबहार डायलॉग। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। चिल्लाओ मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। आ रहा हूँ, रुक, अगर सातो एक बाप के हो तो रुक, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुसकर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रुक, पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूँ? तू कहे तो काटूँ, तू कहे तो भोकूँ। डरा के लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा हो। इतना ही मर्द बनने का शौक है ना कात्या, तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर